गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप मशीन लर्निंग फील्ड में काम करते हैं तो आपको जीपीयू और सीपीयू की कंप्यूटेशन पावर की कॉस्ट तो आपको पता ही होगी। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो टॉप वेंडर्स हैं इस वक्त जीपीयू के लिए $2 पर आवर चार्ज करते हैं और टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि गूगल प्रोवाइड करता है उसकी कॉस्ट $4.50 पर घंटा है। ये दिसंबर 2018 के स्टैट्स हैं और लिंक्स जो मैंने यूज किए हैं इनको कैलकुलेशन के लिए वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए बात करते हैं फ्री के जीपीयू और टीपीयू कैसे यूज़ करें। उसके लिए आपको गूगल कलैब पे लॉगिन करना होगा। गूगल कलैब पे जाइए, एक फ्री अकाउंट बनाइए और यहाँ पे आपको पाइथन 3 और पाइथन 2 की नोटबुक बना सकते हैं। एक पाइथन 3 की नोटबुक बनाते हैं और इसमें आपको एनवायरनमेंट, आप सबसे पहले एक नोटबुक का नाम दे देते हैं, डेमोनेट नोटबुक। आप यहाँ पे अपना रन टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जीपीयू यूज़ करना चाहते हैं या टीपीयू यूज़ करना चाहते हैं। यही खास बात है इस वीडियो की कि आप यहाँ पे फ्री का टीपीयू आपको मिलता है 12 घंटे के लिए। अब 12 घंटे बाद आपकी मशीन रिसाइकल हो जाएगी। अभी हमें गिटहब का कोड एज इट इज इस पर रन करके देखेंगे। देखिए ये वाला जो गिटहब का कोड सैंपल है इसका जीपीयू के टीपीयू का एड्रेस ये वाला है जो नीचे हाईलाइटेड है। अभी हम इसको इस कमांड से इंपोर्ट करेंगे। आप किसी भी गिटहब के रिपोजिटरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिट क्लोन और एड्रेस का नाम, वो आपका रन हो जाएगा कंट्रोल एंटर से। आपकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी जिसमें सारी की सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी। हम वेरीफाई कर लेते हैं। रिफ्रेश कीजिए फाइल्स में जाकर, आप देखेंगे एक नया टीपीयू नाम का फोल्डर बना है जिसमें सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हम करंट एनवायरनमेंट में देखते हैं टीपीयू का एड्रेस क्या है। यह है आपका, और ये देखिए आप दोनों का एड्रेस आपका डिफरेंट डिफरेंट है। आइए अब करते हैं एक दूसरी मैजिकल कमांड चलाते हैं जिसमें हम इस कमांड, इस जो हमने रनबुक जो नोटबुक हमने डाउनलोड की है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जूपिटर एनबी कन्वर्ट एग्जीक्यूट प्रोसेस, ये आपकी नोटबुक को पाइथन में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। अगर टाइम आउट हो जाए उसके लिए हमने एक प्रोसेसर भी डाला है। इसने एक फाइल बनाई फैशन एमनेस्ट, हमने उसको डाउनलोड किया और वेरीफाई करते हैं ये कौन से टीपीयू पे चला है। देखिए सेम रनबुक आपके 58 पे चली है और जो पुरानी चली हुई थी सैम्पल में वो 34 पे चली थी। इससे प्रूव होता है कि एक नया टीपीयू इसने यूज़ किया है फ्री में। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपसे एक ग्लोबल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी आपके घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, तो आप एक ऑर्फनेज ढूंढिए आसपास, जिसमें आप जाके बच्चों को खिलाइए। आपको पता है एक बच्चे को पूरे महीने तक खिलाने के लिए 1,000 से 2,000 तक का खर्चा आता है, जो आपके एक बार के पिज्जा बर्गर से के 300-500 रुपये के खर्चे से बहुत कम। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ये करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फोटोज़ में आप देख रहे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर निछावर कर दिया, लेकिन आप सिर्फ एक बार महीने में, साल में एक बार ये करके एक बहुत अच्छा फील कर सकते हैं।